उत्तर प्रदेश के आगरा में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 63 हो चुकी है। 10 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। पॉजिटिव मरीजों के मिलने के बाद में उनके आसपास के लोगों पर प्रशासन की निगाह है। आगरा में कोरोना से संक्रमित मरीजों का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने से प्रशासन की चिंता और ज्यादा बढ़ चुकी है। आगरा प्रशासन को लॉकडाउन और करना होगा प्रभावी तरीके से। एक दर्जन से ज्यादा जगह की जो कि इस वक्त जिन्हें चिन्हित किया गया उन जगहों पर और ज्यादा सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराना होगा। तो आगरा उत्तर प्रदेश का ये वो शहर है जहां से कोरोना के संक्रमण की शुरुआत मरीजों के पाए जाने की शुरुआत हुई थी, जब एक शख्स इटली से वापस लौटा था और उसने अपने बच्चे के जन्मदिवस पर कुछ लोगों को बुलाया था और उसके बाद में नोएडा से केसेस आने शुरू हुए थे। और अब आगरा में संक्रमण की चेन तेजी से बढ़ रही है और इसी चेन को तोड़ने के लिए पुलिस प्रशासन इस वक्त लगातार कार्रवाई कर रही है, क्योंकि तादाद बढ़ करके आगरा में मरीजों की 63 पहुंच चुकी है और ऐसे में 10 नए कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आने के बाद में पुलिस प्रशासन के हाथ फूले हुए हैं कि आखिर ये तादाद जो तेजी से बढ़ रही है इस चेन को कैसे तोड़ा जा सके, इसको कैसे रोका जा सके ताकि संक्रमण रुक सके। और ऐसे में पुलिस प्रशासन और ज़्यादा मुस्तैद नज़र आ रही है, सख्ती दिखा रही है।